यू आर विल बी फाइन। ओपन योर बुक पेज नंबर 72। स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था डायनेमिक्स। इसके लेक्चर्स आपको पहले ही सारे प्रोवाइड कर दिए गए थे। जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए थे वो सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए थे। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो उससे पहले मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में कुछ बताती हूँ कि फ्रिक्शन हमारे पास होती क्या है। फ्रिक्शन हमारे पास वो फोर्स होती है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक चलते हुए हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने में हमें हेल्प आउट करती है, वो हमारे पास फोर्स होती है। जैसे अक्सर आप रास्ते में जा रहे होते हैं तो रोड ब्रेकर्स आते हैं, तो वो रोड ब्रेकर्स जो होते हैं वो आपको एज अ फ्रिक्शन वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी की स्पीड को अगर वो कम कर देते हैं तो मीन्स कि वो एज अ फ्रिक्शन है आपके पास। फ्रिक्शन की डेफिनेशन है द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट्स, इस कारण फ्रिक्शन क्या कहलाते हैं, फ्रिक्शन कहलाते हैं। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि इनेबल अस टू वॉक ऑन अ ग्राउंड, यानी कि हमें इस काबिल करते हैं, फ्रिक्शन इस काबिल करती है कि हम जमीन के ऊपर चल सके, यानी कि अगर हमारे पाँव और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल नहीं सकेंगे, ठीक है। We cannot run on a slippery ground, यानी कि कोई भी फिसलने वाला अगर आप ग्राउंड पे चले जाओगे तो क्या होगा, आप उस पर भाग नहीं सकते। तो इसी तरह आप लोग इस तरह के शूज वगैरह लेते हैं ना, जिसके अक्सर नीचे से वो बने हुए होते हैं, अक्सर किसी के डॉट्स बने हुए होते हैं, किसी का कुछ बना होता है, तो वो ऐसा फ्रिक्शन ही वर्क कर रहे होते हैं। तो बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, अगर हवा में एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो तो बर्ड्स भी क्या हो, फ्लाई नहीं कर सकते। तो एयर भी जो है वो बर्ड्स के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही होती है। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पर। अब डिसएडवांटेजेस कहाँ है हमारे पास, फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल। फ्रिक्शन हमारे पास अनडिजायरेबल होती है। अनडिजायरेबल इस तरह होती है कि अनडिजायरेबल तो हमने खुद नहीं उसको किया होता, वो अनडिजायर होती है, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती। व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड बिकॉज इट अपोजेस द मोशन दस लिमिट द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब इसका ये डिसएडवांटेज ये है कि अक्सर ये होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं फुल स्पीड से जा रहे होते हैं, आगे कोई पर्सन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अक्सर रोड ब्रेकर की वजह से हमारी गाड़ी की स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अक्सर ये होता है कि अक्सर हमारी कोई मशीनरी वगैरह खराब हो जाती है, उसमें कोई भी चीज़ या कुछ भी चीज़ फंस जाती है, तो वो भी ऐसा फ्रिक्शन ही काम कर रही होती है, हमारी मशीन को रोक देती है। तो मतलब ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। ऐसे सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आपके टॉपिक पे मेंशन हैं। टॉपिक आपका है 3.3 का, सब टॉपिक है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आपके इससे रिलेटेड आपकी वीडियो जो है वो आपके पोर्टल पर अपलोड हुई हुई है, आप उसको गौर से सुने, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड आपका आपकी कोई भी क्यूरी है, कल आपकी क्लास है, आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको जो भी टास्क अपलोड किया गया है काइंडली आप उसे अपनी नोटबुक पर करें, और जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन्हें अच्छे से सुने और उनको याद करें। थैंक यू सो मच क्लास।